उत्तराखंड के देहरादून में क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में थाने के बिल्कुल समीप मॉल के निर्माण और रिहायशी इलाके में डेयरी खोलने को लेकर वहां के क्षेत्रवासियों में खासा रोष है। आज प्रेस क्लब में क्षेत्रवासियों द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सुभाष चंद्रावल एवं उसकी पत्नी द्वारा मानकों को ताक पर रखकर अवैध रूप से बिना नक्शे के मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में भी रिहायशी इलाकों में दूध की डेयरी खोली गई है। बार बार क्षेत्रवासियों की शिकायत करने पर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही क्षेत्रवासी ने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी के साथ साथ दबाव बनाया जा रहा है। इससे लगता है कि आज राजधानी देहरादून में सरकारी महकमों की मिलीभगत से बड़े पैसे वाले मौज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की जेब पहले से ही गर्म की जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि शीघ्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। मेजर सुभाष चंद्र रावल जो आर्मी में 56 इंजीनियर रेजिमेंट में तैनात है, 56 इंजीनियर रेजिमेंट के ऑफिसरों का हमारे ऊपर काफ़ी बार दबाव डाला गया है। उसको काम को ना रोकने के लिए काम अनलीगल तरीके से किया जा रहा है, उसमें किसी मानकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा, मकानों के बीच में है जो रिहायशी घर हैं उसके अगल बगल में, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा उसके माहौल के बनने से। और आम जनता के रास्ते इतने क्लोज हैं कि उसमें आम जनता को बहुत बड़ी परेशानियां उससे गुजरना पड़ रहा है अभी भी। और इसके बाद अगर मॉल बन जाता है तो उसके बाद तो कोई रास्ता ही लोगों को नहीं मिलेगा। सरकारी नाले को पाट करके डेयरी में शामिल कर लिया गया, 3 मंजिली बिल्डिंग। इसके अलावा जो सरकारी जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, उसका भी कुछ हिस्सा, आधा पौना बीघा हिस्सा अपनी डेयरी में शामिल कर लिया गया, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है।